हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 5:20 PM और सुबह में मैंने जो है मशीन नहीं लगाया है, तो मशीन भी मैंने लगा दिया है। वो वॉश हो रहे हैं कपड़े, और क्योंकि आज मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा वर्क था तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया। फिर मैं स्टैंड पे डाल दूँगी, तो वो फिर मॉर्निंग में बाहर बालकनी में मैं डाल दूँगी, वो ड्राई हो जाएंगे। और आज मैंने ये न्यू स्वेटर पहना है, न्यू नहीं और पिछले साल का ही है, तो पिछले साल मैं एक दो बार पहनी थी, फिर अभी आज ये पहनी हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है शाम को। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ और आज खाना वगैरह नहीं बनाना है क्योंकि कहीं हम लोग की आज दावत है। तो अभी मैं चाय बनाऊँगी, बाबू गए हैं ट्यूशन, अभी आएंगे वो, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं ये चादर फिर यहाँ पे मैं उलन चादर डाल रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। ये मुझे कल मॉर्निंग में करने थे, मेरे पास टाइम बचे थे तो मैंने सोचा कि लाओ कल का जो काम है आज ही मैं कर लेती हूँ। और ये रजाई भी मैंने निकाली है क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और जो ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं आजकल, धूप तो निकल रहे हैं लेकिन ठंडी हवाएँ चलने की वजह से सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो ये रजाई भी मैंने बॉक्स में से निकाला है आज दिन में, और उस पर मैंने जो है धूप में डाला, फिर उसके बाद इस पर मैंने कवर लगाया है और ये उलन चादर मैंने डाला। और क्योंकि सर्दियां जैसे ही तापमान, सर्दियों का तापमान जो है वो काफ़ी जब बढ़ने लगता है तो प्रोटेक्ट करना हर एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी हो जाती है, को अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो उस हिसाब से उसको सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो आई थिंक सबको ये करता होगा, तो मैंने इस वजह से इसे शाम को ही चेंज कर दिया क्योंकि मुझे कल करने थे और डिनर बनाना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने जो टाइम का मैंने यूज़ किया, जो टी वी यूनिट पर आप कपड़े देख रहे हैं उसको मुझे फोल्ड करने हैं, फोल्ड मैंने किया हुआ है, और जब चाय पी रही थी तभी मैंने फोल्ड कर दिया। और जैसा पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कितने सारे कपड़े थे दीवान पे, तो वही सब सारे कपड़े हैं और उसको मैं भी अलमारी में उसको अरेंज करूँगी। और बास्केट में, तो ये जो बेसिन वगैरह के पास जो हम लोग के रहते हैं टावल वही हैं, और तो मैंने धुले थे दो हैंड टावल, तो उसी को यहाँ पे मैंने बास्केट में ऑर्गेनाइज किया। तो बास्केट में रखने से जो है आसानी से जो चीज़ें मिल जाती हैं और जब हम निकालें तो एक ही निकलता है, तो बाकी चीज़ें जो है वो मिसमैच नहीं हो पाता है। और फिर ये जो कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं
तो जब मैं तह लगाती हूँ तभी सारी चीज़ों को मैं अलग अलग करके रखती हूँ कि ये हस्बैंड की हैं, ये मेरे हैं। तो फिर उसको थोड़ा सा कपड़े लगाने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इस तरह से, और अगर हम कपड़े फोल्ड करते जाते हैं और सबके कपड़े जो मिक्स करके फिर हम लोग उसको तह लगाते जाते हैं, फिर बाद में उसको थोड़ा समय देना पड़ता है कि हाँ किसके कपड़े कहाँ रहे, किसके कपड़े कौन से हैं, तो उस हिसाब से फिर उसको छाँटना पड़ता है। तो ज़रूरी यही है कि जब हम उसको फोल्ड करें तो जिसके कपड़े जैसे हैं उस फाइल सिस्टम में अपना रखते जाएं और फिर उसके बाद वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज कर दें। तो इस तरह से सारे देखिए ऑर्गेनाइज मेरे हो गए हैं और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से रख दिया है। और ये ऊपर के जो हैं बनियान वगैरह थे हस्बैंड के, और उसके बाद फिर हस्बैंड थोड़ी देर बाद आ गए तो मैंने उनके लिए फिर चाय बनाई। और क्योंकि वो मेरे फादर इन लॉ आए थे तो उनको गए थे डॉक्टर को दिखाने, तो फिर उनको चाय बना के दिए। फिर ये किचन का जो स्लैब है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जब हम चाय वगैरह बनाते हैं या कुछ भी निकालते हैं तो ज़रूर गिरता है स्लैब पर, तो उसी को यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ। और एक साइड में मैंने दूध भी रख दिया है, वो भी गर्म हो रहा है। और क्योंकि बगल में, जैसा आपने भी स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम लोग को एक दावत में जानी थी तो बगल का ही है, तो वहीं पे हम लोग का आज था भोज। और तो सुबह के लिए मैंने अपने किचन को एकदम रेडी कर दिया है ताकि जब भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठूँ तो बस बिस्तर सही करके बस मुझे झाड़ू लगाने रहे, फिर सर वगैरह लेके फिर मॉर्निंग का जो काम है वो मैं करूँगी। तो ये इवनिंग रूटीन मैंने आप लोग के साथ थोड़ा शेयर किया, आई होप लाइक यू। बेड का चादर जो मैंने चेंज किया है तो वो मुझे मॉर्निंग में ही करनी थी, लेकिन बस झाड़ू लगा के और फिर मैं नाश्ता वगैरह लगी बनाने और फिर बाल वगैरह भी धुलने थे और थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना था, तो इस वजह से मैंने ये काम नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने इस समय इवनिंग में किया है, और इवनिंग में मैं इसलिए कर दिया कि सुबह का जो थोड़ा सा टाइम है वो मेरे पास बचेगा तो उसमें कुछ और मैं एक्स्ट्रा काम जो है कर लूँगी, तो इस वजह से। और ये रजाइयाँ मैंने निकाल ली हैं क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, और जो अब तक हम लोग कंबल ही ओढ़ रहे थे तो कंबल से ठंडक लग रही थी, हालांकि वो डबल लेयर है बट फिर भी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने रजाई को निकाला और आज धूप में भी मैंने उसको रखा था और फिर ये कवर वगैरह मैंने लगा दिया है। और ये ऊलन चादर मैंने बिछाई है बेड पे, और इससे थोड़ा सा है जो सर्दी कम लगती है, और क्योंकि इस तरह के मेरे पास दो तीन हैं तो उसको मैं सर्दी में ही चेंज करके बिछाती रहती हूँ। और क्योंकि जब हम कोई काम करके बिस्तर पे आते हैं तो अगर हम कॉटन के चादर बिछाते हैं तो वो थोड़ा सा ठंडा, उसे सर्दी लगती है और ये लगता है कि सब चीज़ ठंडा ठंडा हो गया है, लेकिन ऊलन चादर अगर हम बेड पे बिछाते हैं तो उससे जो है तो एक गर्माहट का एहसास होता है। और रात में ज़्यादा ठंडक हो जाती है, और हालांकि धूप हो रहे हैं, दिन में तो धूप हो रहे हैं बट इवनिंग में फिर रात में काफ़ी सर्दी बढ़ जाती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ यूपी में तो काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है, आपके शहर में कैसा मौसम है कैसा नहीं है प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ फिर किसी टॉपिक पे, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।